उधर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी के 184 स्कूलों की मान्यता रद्द हो गई, खतरे में करीब 9000 बच्चों का भविष्य आ गया। स्कूलों की ओर से रिन्यू नहीं करवाई गई थी मान्यता रिन्यू करवाने को लेकर आदेश भी जारी किए गए थे, तो मापदंड में कमियों के चलते रद्द की गई स्कूल की मान्यता। एमपी में एक साथ 184 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई, 150 से ज्यादा स्कूलों की मान्यता रद्द हो गए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने हजार बच्चों का भविष्य इसके चलते अधर में लटक गया, 9000 छात्रों का भविष्य लगभग। तो स्कूलों की ओर से रिन्यू नहीं करवाई गई मान्यता, और इसी के चलते मुश्किलें यहां पर बढ़ी कि मान्यता को रद्द किया गया, आदेश भी जारी किए गए थे, नोटिस भी भेजा गया था कि मान्यता को रिन्यू करवाएं ये स्कूल, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। तो इस पूरे मामले पर विश्वास सारंग का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। का युक्तिकरण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी छात्र का, किसी भी बच्चे का भविष्य ना बिगड़े, परंतु यह भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सभी स्कूल पूरी तरह से नियम और धर्म का पालन करें। इसलिए ये तो सुनिश्चित किया ही जाएगा कि सब स्कूल नियम से पूरी तरह से जो रूल्स हैं उसका पालन करें, परंतु यदि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी मान्यता में दिक्कत है तो उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा।